जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्लेइंग विद डॉल्स मूवी का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है प्लेइंग विद डॉल्स ब्लडलस्ट। और अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और जल्दी ही मैं इस मूवी के आगे के पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि वहां पर हाइकिंग करने आई हुई थी और ये जगह पूरी तरह से जंगल से ढकी हुई थी। तभी हम उस लड़की के पीछे उसी किलर को देखते हैं जो कि लड़की को चुपके से फॉलो कर रहा था। और उस जंगल में हर तरफ कैमराज ही कैमराज लगे हुए थे। हर बार की ही तरह इस बार भी वो अमीर आदमी कैमरा की मदद से उस लड़की की मौत का तमाशा देख रहा। उस लड़की को किलर पकड़ लेता है और उसका एक हाथ काट डालता है। लड़की बहुत चिल्लाती है और फिर किलर एक हैमर को लड़की के मुंह पर मारता है, जिससे कि लड़की का मुंह टूट फट जाता है। उस लड़की का मुंह कुछ ऐसा हो गया था कि जैसे कि कोई कांच की गुड़िया टूट गई हो। और ये सारी भयानक किलिंग्स उस कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी और वो अमीर आदमी इसे देखकर एंजॉय कर रहा था। फिर हमें किलर का घर दिखाया जाता है, कटे हुए डेड बॉडी से भरा हुआ था और उन डेड बॉडी से कटे हुए बॉडी के पार्ट्स हर जगह लटके हुए थे। कहानी फिर स्टीना नाम की एक लड़की की तरफ जाती है। स्टीना का पति नहीं था और उसकी एक बेटी थी। स्टीना एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही थी और उसे मजबूरन एक बार डांसर के काम के लिए जाना पड़ रहा था। वो अपनी बेटी को अपनी कार में छोड़कर ये बोलती है कि अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो कार का हॉर्न बजाकर उसे बुला ले। फिर वो उस बार में काम के लिए जाती है। बार डांसर की जॉब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और उसे कहा जाता है कि उसे कभी ना कभी उसे डांस के बीच में अपने पूरे कपड़े उतारने पड़ेंगे, यानी कि स्ट्रिपिंग करना होगी। और उस बार का बूढ़ा मालिक उसका ऑडिशन लेने के लिए उसकी बॉडी को दिखाने को कहता है और वो ये देखना चाहता था कि स्टीना अपनी बॉडी से कितने कस्टमर को बार में आकर्षित कर सकती है। फिर स्टीना अपने कपड़े उतारने ही वाली थी कि तभी उसकी बेटी कान का हॉर्न बजा देती है। वो जब कार की तरफ भागती है तो उसकी बेटी उसका फोन दे देती है। स्टीना जब फोन उठाती है तो दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत कहती है कि उसे एक टीवी शो के लिए सिलेक्ट किया गया है। और ये सुनकर स्टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब उसे इस बार डांसर की घटिया जॉब नहीं करना पड़ेगी। फिर हम एक मैग्नस नाम के एक लड़के को देखते हैं। मैग्नस पहले आर्मी में था लेकिन वहां से उसे निकाल दिया गया था। मैग्नस के पास पैसे भी नहीं थे तो उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया था और इसीलिए वो कभी कभी ही अपने बेटे से मिल पाता था। उसकी वाइफ वहां पर आके उसके बेटे को ले जाती है और वो मैग्नस का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है क्योंकि मैग्नस अब किसी हॉलीवुड एक्टर का बॉडीगार्ड बना हुआ था। फिर अगले दिन स्टीना और मैग्नस का बॉस और बाकी के दो एक्टर्स को रियलिटी शो के लिए एयरपोर्ट पर बुलाता है। वहां पर वो बूढ़ी औरत भी थी, वह उन्हें बताती है कि उस शो में एक किलर रहेगा और उन्हें एक वीक के अंदर अंदर उस किलर से बचना है। जो भी उस किलर से पकड़ा जाएगा उसे उस शो से बाहर कर दिया जाएगा और जो आखिरी तक इस शो में बचेगा वो ये शो को जीत जाएगा और उसे $1,000,000 का प्राइज मनी मिलेगा। किलर के बारे में मैग्नस के बॉस को कुछ भी नहीं पता था तो वो शो नहीं करेगा, ये बोल के मैग्नस को वो छोड़कर चला जाता है। और तब वहां पर वो बूढ़ी औरत मैग्नस को शो ऑफर करती है। मैग्नस के पास में पैसे भी नहीं थे और इसीलिए वो इस शो के लिए मान जाता है और सभी प्लेन में बैठकर लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। इधर जंगल में किलर एक लड़की को पकड़ के कहीं पर ले जा रहा था और वो एक जगह पर रुक के उस लड़की को बेसबॉल बैट से मारता है। अब ये सीन उन एक्ट्रेस की तरफ आ जाता है और सभी उसी जंगल में आए हुए थे जहाँ पर वो किलर भी था, मतलब कि वो सभी किलर का अगला शिकार थे। और यहाँ पर कोई भी शो नहीं चल रहा था, ये शो बस उस अमीर आदमी के मजे के लिए बना हुआ एक मौत का शो था। अब फिर वो बूढ़ी औरत उन सभी को एक सुंदर से घर की ओर ले आती है। वो मास्क पहने किलर वहीं पर था और उन सभी को चुप कर देख रहा था। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है कि एक वीक के बाद में जो भी जीतेगा उसे वो लोग खुद यहाँ पर लेने आ जाएंगे और इस जगह पर फोन या इंटरनेट कुछ भी नहीं होगा। फिर सभी बातों को समझा कर वो बूढ़ी औरत सभी को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। यहाँ के सारे कंटेस्टेंट टीवी पर आने के लिए बहुत ज्यादा खुश थे, वे सभी उस घर को देखने लगते हैं। और मैग्नस आर्मी में था तो उसे थोड़ा पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर निको नाम की एक लड़की रोड्रिगो को अकेले में बुलाती है और कहती है कि उन दोनों को शो के लिए कपल बन जाना चाहिए ताकि उन पर ज्यादा व्यूज आएंगे। रोड्रिगो नहीं मानता तो कहती है कि अगर वो राजी हो जाएगा तो वो रोड्रिगो को अपनी अपर बॉडीज दिखाएगी और निको उसे बॉडी दिखाने वाली थी। और तभी रोड्रिगो को निको के पीछे से किलर निकलता हुआ नजर आता है और वो वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर ये अमीर आदमी बहुत एंजॉय कर रहा था।
इधर मैग्नस और स्टीना बातें कर रहे थे और तभी वहाँ पर निको आके स्टीना को अपने साथ लेके चली जाती है। निको और स्टीना बातें करते करते एक रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर बेड पर कुछ ढका हुआ पड़ा हुआ था। वो जब उसका कपड़ा हटाते हैं तो वहाँ पर एक सड़ी गली डेथ बॉडी पड़ी हुई थी। निको और स्टीना डर के मारे उन लड़कों के पास में चली जाती है और वे दोनों लड़के सोचते हैं कि शायद ये कुछ इस शो का प्रॉप होगा। वे सभी देखने जाते हैं लेकिन उनके आने से पहले ही किलर उस डेड बॉडी को उठाकर कहीं और लेकर चला जाता है। वे सभी जब उस रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर कोई डेथ बॉडी नहीं थी लेकिन उनको वहां से बदबू आ रही थी और मैग्नस समझ जाता है कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन निको को इन सब चीजों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो तो कैमरा के सामने बस व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैग्नस को शक हो रहा था और वो अमीर आदमी अपने भाड़े के आदमियों से उसके बारे में पूछता है तो बताते हैं कि मैग्नस पहले आर्मी में काम किया करता था। फिर रात को सभी एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे और तभी उन्हें किसी लड़की की चीखें सुनाई देती है। मैग्नस घर के बाहर ये देखने के लिए चला जाता है कि आखिरकार क्या बात है। बाकी के सभी लोग उसे मना करते हैं लेकिन मैग्नस उन्हें कहकर चला जाता है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। फिर मैग्नस जब जंगल की तरफ चला जाता है तो उसे एक पेड़ पे एक लड़की बंधी हुई दिखाई देती है। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसकी आंखें निकली हुई थी और उसका पूरा चेहरा बिखरा हुआ था। वो लड़की खून की उल्टियां कर रही थी और मैग्नस उस लड़की की मदद करने के लिए चला जाता है। वहां पर किलर मैग्नस को पकड़कर मार देता है और मैग्नस वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद में वो उस बंधी हुई लड़की को बड़े प्यार से सहला रहा था। इधर घर पर स्टीना मैग्नस का वेट कर रही थी और रोड्रिगो कहता है कि फिक्र मत करो, हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं और मैग्नस को कुछ भी नहीं होगा। फिर निको सोने चली जाती है और हम देखते हैं कि किलर घर पे घूम रहा था अपना शिकार करने के लिए और उन लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी। अब रोड्रिगो निको से इंटीमेट होने के लिए निको के रूम के बाहर उसे आवाज लगाता है लेकिन निको उसे मना करके उसे वहां से भगा देती है। रोड्रिगो भी दुखी होकर वहां से चला जाता है और रोड्रिगो घर पर ही घूम रहा था लेकिन तभी किलर पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और उसे उठाकर अपने साथ में ले जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रोड्रिगो के सर से खून निकल रहा है। उसे किलर ने एक पेड़ से पीठ के बल पर लेटाकर बांध दिया था और जब वो होश में आता है तो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाता और तभी किलर आकर उसकी बॉडी को काट काट कर उसे मार डालता है। इधर हम देखते हैं कि घर पर निको गाना लगाकर अपने अंडरगारमेंट्स में डांस कर रही थी और ये सब वो अमीर आदमी अपने कैमरास में देख रहा था। फिर वहां पर स्टीना आकर रोड्रिगो के बारे में पूछती है तो निको बताती है कि शायद वो इस शो से बाहर हो गया होगा और उन्हें वापस अपने घर भेज दिया गया होगा। ये सुनकर स्टीना काफी खुश थी क्योंकि शो में उसके जीतने के चांसेस अब और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। फिर कुछ देर के बाद में निको नहाने जाती है तो पीछे से किलर उसके पास में आता है और उसे वहीं पर काट डालता है और ये सारी चीजें वो अमीर आदमी अभी भी देख रहा था। उस अमीर आदमी के साथ में एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि उससे पूछती है कि ये सारी चीजें तो बिल्कुल असली की ही तरह लगती है लेकिन तभी वो अमीर आदमी झूठ बोलता है कि ये सब एक शो है। इधर स्टीना एक रूम में बैठकर बुक पढ़ रही थी और वह देखती है कि इस रूम का डोर कोई खोलना चाह रहा है जिससे कि वो बहुत घबरा जाती है लेकिन कुछ देर के बाद में जो कोई भी था वो वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ वो अमीर आदमी उस प्रोस्टिट्यूट को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और शायद वो उसे भी अपना शिकार बनाने वाला था। फिर अगली सुबह स्टीना सभी को ढूंढती है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता और वो जंगल की तरफ चली जाती है तो तभी उसके सामने वो मास्क पहने किलर आ जाता है और स्टीना उस किलर को एक एक्टर समझ रही थी। वो उससे बातें करने लगती है और किलर उसका हाथ पकड़कर उसका हाथ काटने की कोशिश करता है और स्टीना वहां से भाग जाती है। और इधर स्टीना वापस उस घर में आकर कैमरास में देखते हुए बहुत अनाप शनाप गालियां देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब कुछ देर के बाद में स्टीना को एक फोन की रिंग सुनाई देती है और वो उस आवाज को फॉलो करती है। वो फोन एक पेड़ पर लटका हुआ था और स्टीना फोन उठाती है तो उस फोन पर वो अमीर आदमी था। वो ये कहता है कि वो ये शो जीत चुकी है और वे सभी उसे लेने के लिए आ रहे हैं, जिसे सुनने के बाद में स्टीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से उस घर में एंजॉय करती है और नाचती है। अब रात को स्टीना को नींद आ जाती है और तभी किलर स्टीना के पास आकर उसकी बॉडी के पार्ट्स को गलत तरीके से टच कर रहा था। स्टीना की जब नींद खुलती है तो वो किलर को देखकर डर जाती है और किलर उसे मार के बेहोश कर देता है और वो उसे अपने साथ में भी ले जाता है। अब अगली सुबह स्टीना की जब नींद खुलती है तो वो खुद को एक पेड़ पर बंधा पाती है। स्टीना जोर जोर से डर के मारे रो रही थी और किलर वहां पर आकर स्टीना का एक जूता निकालता है और उसके पैर का एक अंगूठा काटकर उस अंगूठे को
एक डेड बॉडी की आंख में सजा देता है और वो स्टीना के कटे हुए पैर में ही वो जूता फिर से पहना देता है, जिससे कि स्टीना को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द के मारे रोने लगती है। अब फिर किलर स्टीना की टांगे काटने वाला था कि तभी किलर को गोली की आवाज सुनाई देती है और किलर ये देखने चला जाता है कि गोली किसने चलाई है, जिसका फायदा उठाकर स्टीना वहां से भाग जाती है। किलर ये देखता है कि गोली चलाने वाला अमीर आदमी का ही कोई आदमी है, पर किलर फिर भी उसे मार डालता है क्योंकि वो उसके एरिया में आ गया था। स्टीना भाग ही रही थी कि किलर उसे पकड़ लेता है और वो स्टीना को भी मारने वाला था कि तभी मैग्नस आकर किलर पर हमला कर देता है, जिससे कि किलर वहीं पर गिर जाता है। मैग्नस फिर स्टीना को उठाकर भागने लगता है और तभी वो अमीर आदमी उसको गन दिखाकर रोक देता है। वो बोलता है कि अगर यहाँ से बचना चाहते हो तो इस किलर को मारो या तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। और ये सुनकर मैग्नस और स्टीना किलर को मारने के लिए निकल जाते हैं। स्टीना की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और स्टीना फिर दूसरी जगह चल जाती है। और यहाँ पर मैग्नस एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे। मैग्नस अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था और वो किलर अपने शौक के लिए लड़ रहा था। दोनों के बीच में बहुत देर तक लड़ाई होती है और इन दोनों की लड़ाई अब वो अमीर आदमी अपने सामने ही देख रहा था। मैग्नस और किलर दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था प्लेइंग विद डॉल्स मूवी का सेकंड पार्ट, जिसका नाम था ब्लडलस्ट। पहले पार्ट में हम देखा कि कैसे किलर अभी भी जिंदा था और सेकंड पार्ट में हमने देखा कि किलर और मैग्नस दोनों आपस में लड़ रहे थे। अब इस किलर का क्या हुआ और इसे कैसे मारा गया, ये तो हमें अगले पार्ट में ही दिखाया जाएगा। तो चलिए, मैं जल्दी ही उसे भी अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आपने हमारे बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं, जाइए पहले उन्हें भी देखकर आइए। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।